हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की एक बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली मिठाई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। कभी भी जब हमारी इच्छा हो हम इसको झटपट बना के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं ब्रेड की मिठाई। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम बनाते हैं ब्रेड की इंस्टेंट मिठाई। ब्रेड की इंस्टेंट मिठाई बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड लिए हैं और अब मैं इनके किनारे काट देती हूँ। और ये किनारे काटने के बाद मैं इस ब्रेड के चार पीस कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे ब्रेड के टुकड़े कर लेती हूँ। सारे ब्रेड के मैंने टुकड़े कर लिए हैं और ये किनारी अलग कर दी है। और अब मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी पानी और इससे मैं चाशनी तैयार करूँगी। चाशनी को इस तरह से चला चला के पहले चीनी को अच्छी तरह से घुल जाने दूंगी और चीनी जब घुल जाती है तो उसके बाद मैं इसमें एक तार की चाशनी बनाऊंगी। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक मैंने दूसरी तरफ दूसरा पैन चढ़ा दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑयल। और इसको मैं अच्छी तरह से गर्म हो जाने दूंगी। चाशनी में उबाल आ गया है और मैं इसमें डाल दे रही हूँ केसर के धागे और साथ ही साथ ये इलायची। और इसको मैं एक उबाल आने तक पकने दूंगी। तब तक ये हमारी चाशनी भी एक तार की बन जाएगी। और तब तक मैं ब्रेड को तल लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं ये ब्रेड के टुकड़े और इसको अच्छी तरह से एकदम डीप फ्राई कर लेती हूँ। इसको एक तरफ से एकदम गोल्डन कलर का कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सबको पलट के फिर दूसरी तरफ से गोल्डन कलर का कर लूँगी। ये एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं, मैं इनको पलट दे रही हूँ। इसी तरह से मैं सबको पलट दे रही हूँ और जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये दोनों तरफ से गोल्डन कलर के हो गए हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। चाशनी बनके तैयार है और मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये जो टुकड़े मैंने ब्रेड के तल के तैयार किए हैं इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको मैं चाशनी में 2-3 मिनट तक छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, 3-4 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको रस से निकाल लेती हूँ। अब मैं इन टुकड़ों को नारियल के बुरादे में लपेट के और प्लेट में रखती जाती हूँ। ये
बन के मिठाई तैयार है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़े से बादाम, पिस्ता। और अब ये हमारी मिठाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनी है और फटाफट बन भी गई है। कभी भी अगर आपका मीठा खाने का मन है तो झटपट इसे बना के आप खा सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।